लोहड़ी का त्यौहार पंजाब हरियाणा की तर्ज पर सोलन में भी धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार विशेषतः हिमाचल के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि पोह माह में कड़ाके की सर्दी सबसे चरम पर होती है। ऐसे में लोहड़ी की अग्नि ठंड को कम करने में सहायता देती है। वहीं गुड़ गच्चक और तिल से बने मिष्ठान ठंड से जूझने की शक्ति प्रदान करते हैं। लोहड़ी का त्यौहार पंजाब हरियाणा के तर्ज पर सोलन में भी धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार विशेषतः हिमाचल के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि पोह माह में कड़ाके की सर्दी सबसे चरम पर होती है। ऐसे में लोहड़ी की अग्नि ठंड को कम करने में सहायता देती है। वहीं गुड़ गच्चक और तिल से बने मिष्ठान ठंड से जूझने की शक्ति प्रदान करते हैं। सभी त्यौहार हिमाचल के लोग मिलजुल कर मनाते हैं, इसलिए इस त्यौहार से आपसी भाईचारा और एकता भी बढ़ती है। अधिक जानकारी देते हुए खरीदारी करने आए लोगों ने दुकानदारों ने इस त्यौहार को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। सिरमौर से लोहड़ी की खरीदारी करने आए युवकों ने कहा कि लोहड़ी को लेकर वे जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में बेहद भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं लोहड़ी का सामान बेच रहे विक्रेता ने कहा कि इस बार लोहड़ी में वे बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। लोग काफी दिन पहले ही खरीदारी करते नजर आते थे, लेकिन इस बार लोग अभी तक खरीदारी करने नहीं निकले हैं, जिसकी वजह से बाजार में मंदी देखी जा रही है। वहीं खरीदारी करने आए व्यक्ति ने कहा कि लोहड़ी का त्यौहार ज्यादातर ठंडे क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन आजकल युवा अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं और त्योहारों का महत्व नहीं जानते। उन्होंने कहा कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है, इससे युवा अनभिज्ञ है, इसलिए हमें आने वाली पीढ़ी को त्योहारों के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। लोहड़ी का त्यौहार, जैसा कि आप सबको पता है कि लोहड़ी का त्यौहार आ रहा है और इसको जो है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और यहाँ पर हम आज मिठाइयाँ वगैरह खरीदने आए हैं, जिसमें जो है गुड़ गच्चक, रेवड़ियाँ वगैरह, मूंगफली, ये सब चीज़ें जो है खासकर लोहड़ी में पसंद की जाती है। और काफ़ी यहाँ पर सोलन में जो है लोग इसकी खरीदारी कर रहे हैं और तरह तरह के मिठाइयाँ, मिष्ठान वगैरह जो है लोगों द्वारा खरीदा जा रहा है। और हम सिरमौर से यहाँ पर स्पेशली आए हैं और मिठाई वगैरह खरीदेंगे, गुड़ खरीदेंगे, गच्चक खरीदेंगे और मूंगफली वगैरह, ये सब चीज़ें जो है खरीद कर घर चले जाएंगे। अगर हम पिछले वर्षों से तुलना करें इस वर्ष की, तो इस वर्ष जो है ज़्यादा लोगों में उत्साह है लोहड़ी मनाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सोलन बाजार में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़ाका और रौनक है, और खासकर लोग खरीदारी कर रहे हैं लोहड़ी के उपलक्ष पर। यहाँ तक कि लोग कपड़े तक खरीद रहे हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ भारतवर्ष में मनाया जाता है, विशेष करके भारत के उत्तरी प्रांत में जहाँ शीताधिक्य होता है, बहुत ठंड होती है, तो ये वर्ष का एक त्यौहार के रूप में भी इसको मनाने की परंपरा है। तो ये था आजमगढ़ का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए अच्युत के साथ। नमस्कार।